नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सेप्टम 250 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बहुत जानी मानी गोली है सेप्टम 250 टैबलेट, ये ग्लैक्सो कंपनी की आती है। ग्लैक्सो कंपनी भी जानी मानी कंपनी है दोस्तों। ये चार गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 191 रुपये और 25 पैसे, यानी 191 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो दोस्तों इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, ये क्या चीज़ के लिए चलती है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखें कि क्या चीज़ के लिए चलती है। दोस्तों इसको हायर एंटीबायोटिक बोला जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वजह से आपको कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब में तकलीफ है, पेशाब में जलन है, पेशाब में से खून आ रहा है, या फिर और भी कुछ तकलीफ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गया है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ट्रीट करता है। अगर आपको टॉन्सिल की तकलीफ है, या फिर लंग्स की तकलीफ है, निमोनिया की तकलीफ है, ब्रोंकाइटिस है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी दवा दी जाती है। दोस्तों ये दवा स्किन के लिए भी चलती है, स्किन इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू का कुछ तकलीफ है, तो उसके लिए भी ये दवा चलती है। आफ्टर सर्जरी, अगर आपको कुछ सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो भी ये दवा चलती है। जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने का काम ये दवा करती है। आपको पुराना कुछ जख्म है, उस सूखता नहीं है, जख्म क्लियर नहीं होता है, कुछ बर्निंग का केस है, बर्निंग की वजह से स्किन में कुछ तकलीफ है, स्किन की जलन है, स्किन ठीक नहीं होती है, बर्निंग का जो जख्म रहते वो ठीक नहीं होते जल्दी, तो उससे ठीक करने के लिए ये दवा यूज़ की जाती है। बहुत बढ़िया दवा है दोस्तों सेप्टम 250 mg, हायर एंटीबायोटिक है, बहुत सारे जो इन्फेक्शन है आपको बैक्टीरियल के उसको ट्रीट करता है। बहुत बढ़िया का दवा है दोस्तों। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर सेफुरॉक्सिम 250 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इन्ग्रीडियंट है दोस्तों। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से रैशेस आ सकते हैं, होमिटिंग हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है, कुछ नौसिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। अगर और कोई भी साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी रिएक्शन आपको नज़र आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों डोसेस के बारे में देखेंगे, इसको कैसा लेना है। जनरली दोस्तों इसको दिन में से 2 बार लेना चाहिए खाना खाने के बाद। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत जानी मानी कंपनी है, डॉक्टर इसको, बहुत सारे डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।